नमस्कार दृष्टि आई एस की के टूडे प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकेप से। पहला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक न्यायाधिकरण अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं जो प्रशासनिक अथवा कर संबंधी विवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित की जाती है दो न्यायाधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था एक और दो दोनों अगला प्रश्न था अफ्सपा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह ब्रिटिश काल का कानून है जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए बनाया गया था दो 2015 में त्रिपुरा से अफ्सपा को हटा दिया गया था उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था केवल दो अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक सौर अपशिष्ट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कचरा है जो छोड़े गए सौर पैनलों द्वारा उत्पन्न होता है दो भारत में कचरे के निपटान की जिम्मेदारी उन निर्माताओं अथवा वितरकों पर होती है जो पहली बार ऐसे उपकरणों को स्थापित करते हो उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था केवल एक अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक स्टेम सेल शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें नए प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न करने की प्राकृतिक क्षमता होती है दो स्टेम कोशिकाएं विभाजित होकर अधिक कोशिकाएं बनाती हैं जिन्हें संतति कोशिकाएं कहते हैं तीन भारत में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत स्टेम सेल को दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था केवल एक और दो अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन से गुण गुडुची यानी गिलोय के हैं एक हृदय को इन्फेक्शन से बचाना दो हैप्टो प्रोटेक्टिव तीन न्यूरो प्रोटेक्टिव चार सांस की बीमारी को रोकना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए इसका सही जवाब था एक दो तीन और चार अगला प्रश्न था खबरों में रहने वाला और माउंटेन्स निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है इसका सही जवाब था ब्राजील अगला प्रश्न था कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक कॉलेजियम शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है दो फर्स्ट जजेस केस ने फैसला सुनाया कि सी और अन्य जजों के साथ परामर्श के लिए आम सहमति की जरूरत है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है इसका सही जवाब था केवल दो अगला प्रश्न था जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख पदेन अध्यक्ष होता है दो गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम उन्नीस इसके दायरे में एकमात्र प्रावधान है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था ना तो एक और ना ही दो अगला प्रश्न था राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी एन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसकी रिपोर्टिंग विदेश मंत्रालय के अधीन होगी दो इस समन्वय एजेंसी की जरूरत सबसे पहले कारगिल युद्ध के बाद गठित मंत्रियों के समूह द्वारा व्यक्त की गई थी उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था केवल दो अगला प्रश्न था जापानी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर मिचियाकी ताकाहाशी ने निम्नलिखित में से किस बीमारी का टीका विकसित किया इसका सही जवाब था चिकन पॉक्स शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक डब्लू की स्थापना माराकेश समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी दो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य विश्व व्यापार संगठन के भी सदस्य होते हैं उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन पर विश्व व्यापार संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने का आरोप लगाया है डब्ल्यू की स्थापना मारार्केश समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी उन्नीस में मोरक्को में मार्केश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे इसलिए कथन एक सही है विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ सहित एक सदस्य हैं, जबकि ईरान इराक भूटान लीबिया आदि जैसे 23 पर्यवेक्षक देश हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में एक सदस्य देश हैं, अतः कथन दो सही नहीं है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आज के सेशन का पहला प्रश्न है ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक तापीय विद्युत संयंत्रों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है दो इलेक्ट्रिसिटी पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है जिसमें जल वाष्प उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो ऐसा सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन अथवा ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है यह राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है अतः कथन एक सही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है जिसमें पानी और जल वाष्प उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं अतः कथन दो सही है स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिए हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है कुल उत्पादित हाइड्रोजन का एक प्रतिशत से भी कम ग्रीन हाइड्रोजन है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो अगला प्रश्न है जापानी इंसेफेलाइटिस यानी जेई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक जापानी इंसेफेलाइटिस एक फ्लेवी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है जो हृदय के आसपास की झिल्लियों को प्रभावित करती है दो क्यूलेक्स प्रजाति के संक्रमित मच्छरों के काटने से यह इंसानों में फैलता है तीन जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण को भारत सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शामिल है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल तीन या फिर एक दो और तीन इसका सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो और तीन हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी यानी एन हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस यानी जेई e. के इलाज के लिए फ्लोरीन डोब्ड टिन ऑक्साइड यानी एफ इलेक्ट्रोड विकसित किया है इस इलेक्ट्रोड को कम ग्राफीन ऑक्साइड के साथ निर्मित किया गया है जापानी इंसेफेलाइटिस एक फ्लेवी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है जो मस्तिष्क के आसपास की झिल्लियों को प्रभावित करती है अतः कथन एक सही नहीं है जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस यानी जेई e. भारत में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी एस का एक प्रमुख कारण भी है यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है अतः कथन दो सही है भारत सरकार के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण को भी शामिल किया गया है अतः कथन तीन सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो और तीन अगला प्रश्न है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इस सिद्धांत को पहली बार 1912 में एक जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा लाया गया था दो पैंजिया पैंथलासा नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों यानी दोनों कथन सही हैं। एक हालिया अध्ययन में एक भारतीय शोधकर्ता ने टेक्टोनिक विवर्तनिक विकास और ग्रेटर मालदीव रिज यानी जीएमआर की प्रकृति का पता लगाया है जीएमआर की पश्चिमी हिंद महासागर में एक बहुत ही अहम भू गति की विशेषता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित है इस सिद्धांत को पहली बार 1912 में एक जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा लाया गया था इसलिए कथन एक सही है सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीपों ने मिलकर एक बहुत बड़े महाद्वीप का निर्माण किया जिसे पैंजिया कहा जाता है एक पैंजिया पैंथलासा नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था अतः कथन दो भी सही है लगभग 200 मिलियन साल पहले पैंजिया विभाजित होकर दो बड़े महाद्वीपीय समूह में टूट गया लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक पी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च वहीकल ध्रुवीय कक्षा में अर्थ ऑब्जर्वेशन अथवा रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को वितरित करता है दो जीएसएलवी संचार उपग्रहों को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट यानी जी, यानि जी में पहुंचाता है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों यानी दोनों कथन सही हैं। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च वहीकल और GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वहीकल इसरो द्वारा विकसित सैटेलाइट लॉन्च वहीकल है PSLV ध्रुवीय कक्षा में अर्थ ऑब्जर्वेशन अथवा रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को वितरित करता है अतः कथन एक सही है PSLV द्वारा सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में संवेदन उपग्रहों का प्रमोचन किया जाता है इसके अलावा PSLV का उपयोग लगभग 1400 किलोग्राम के कम द्रव्यमान वाले उपग्रहों को दीर्घ वृत्ताकार जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी जी में लॉन्चिंग के लिए भी किया जाता है पी एस चार चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है और दूसरे और चौथे चरण में तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है थ्रस्ट बढ़ाने के लिए पी के साथ स्ट्रैप ऑन मोटर्स का भी उपयोग किया जाता है संचार जी संचार उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी जी में पहुँचाता है अतः कथन दो सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों अगला प्रश्न है सिंथेटिक बायोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एक जिनोम एडिटिंग की तरह सिंथेटिक बायोलॉजी में जीवो के जेनेटिक कोड को बदला जाता है दो सिंथेटिक जीव विज्ञान में बढ़ती सैन्य रुचि के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनियमित किया जाता है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में कृत्रिम जीव विज्ञान के लिए राष्ट्रीय नीति की जरूरत पर जोर दिया है सिंथेटिक जीव विज्ञान में जीव विज्ञान के लिए इंजीनियरिंग सिद्धांतों के अनुप्रयोग को शामिल किया गया है सिंथेटिक बायोलॉजी जीनोम एडिटिंग के समान ही है क्योंकि दोनों में जीवों के जेनेटिक कोड को बदला जाता है अतः कथन एक सही है जीव विज्ञान या सिंथेटिक जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सैन्य रुचि बढ़ने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्हें विनियमित नहीं किया जाता है अतः कथन दो सही नहीं है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए केवल एक अगला प्रश्न है हीमोफीलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक अधिकतर पुरुषों में यह बीमारी होती है दो हीमोफीलिया का कोई इलाज नहीं है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों यानी दोनों कथन सही हैं। उत्तराखंड में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि यह व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित अपने तीन साल के बेटे के इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ था जान लेते हैं हीमोफीलिया के बारे में हीमोफीलिया एक दुर्लभ बीमारी है जो शरीर में रक्त का थक्का जमने की क्षमता को प्रभावित करती है इस बीमारी में सामान्य से अधिक समय तक रक्त स्राव होता रहता है यह आमतौर पर एक आनुवंशिक बीमारी है अधिकतर पुरुषों में यह बीमारी देखने को मिलती है अतः कथन एक सही है हीमोफीलिया का कोई इलाज नहीं है अतः कथन दो भी सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों अगला प्रश्न है ग्रेट वन हॉर्न राइनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इन्हें भारत नेपाल और म्यांमार में देखा जा सकता है दो इनका कंजर्वेशन स्टेटस एंडेंजर्ड है तीन ग्रेट वन हॉर्ड राइनो गैंडे की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल एक और दो केवल दो और तीन या फिर केवल तीन इसका सही जवाब ऑप्शन डी केवल तीन केरल पुलिस ने हाल ही में असम के एक कथित शिकारी को गिरफ्तार किया है इस शिकारी पर एक सींग वाले गैंडे के शिकार का आरोप था जान लेते हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस के बारे में ग्रेट वन हॉर्न राइनो गैंडे की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है व्हाइट राइनो गैंडे की सबसे बड़ी प्रजाति है अतः कथन तीन सही है ग्रेट वन हॉर्न राइनो को भारत और नेपाल में खासकर हिमालय की तलहटी में देखा जा सकता है अतः कथन एक सही नहीं है यह अर्ध जलीय यानी सेमी एक्वेटिक जीव है और अक्सर दलदली जगहों जंगलों और नदियों के किनारे निवास करते हैं इनका कंजर्वेशन स्टेटस वल्नरेबल है अतः कथन दो सही नहीं है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी केवल तीन अगला प्रश्न है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह तब होता है जब गले की मांसपेशियां वायु मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। दो इस बीमारी का संकेत है नींद के समय में खर्राटे का नहीं आना उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो यानी केवल पहला कथन सही है हाल ही में जाने माने सिंगर बप्पी लहरी का उनहत्तर साल की उम्र में निधन हो गया है वे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामक बीमारी से ग्रसित थे जान लेते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में ऑब्सट्रक्टिव एपनिया एक विकार है जिसकी वजह से वायु मार्ग में रुकावट आती है इससे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने लगती है यह नींद से जुड़ा एक श्वास विकार है यह तब होता है जब नींद के दौरान गले की मांसपेशियां वायु मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। अतः कथन एक सही है इस बीमारी का संकेत है नींद के समय में खर्राटे का आना अतः कथन दो सही नहीं है पंद्रह मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो अगला प्रश्न है स्टिंग जेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक स्टिंग जेट्स की फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान मुश्किल होती है क्योंकि उनका आकार तूफान की तुलना में छोटा होता है दो उन्नीस के भीषण तूफान के बाद ही स्टिंग जेट्स को औपचारिक रूप से खोजा गया था उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों यानी दोनों कथन सही है इन दिनों ब्रिटेन में स्टॉम यूनिस ने दस्तक दी है जिससे वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है एक्स्टिंग जेट दरअसल अत्यंत तीव्र हवा का एक छोटा क्षेत्र है जो यूके आयरलैंड और उत्तरी और मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों से गुजरने वाले तूफानों के भीतर बन सकता है 1987 के भीषण तूफान के बाद ही स्टिंग जेट्स का औपचारिक रूप से पता लगाया गया था इसलिए कथन दो सही है स्टिंग जेट्स की फोरकास्टिंग मुश्किल होती है क्योंकि उनका आकार तूफान की तुलना में छोटा होता है अतः कथन एक सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों अगला प्रश्न है हाल ही में प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मानदंड अधिसूचित किए गए हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादकों के मामले में इस साल सत्तर प्रतिशत प्लास्टिक कचरे का निस्तारण और उसके अगले साल सौ प्रतिशत कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य कर दिया गया है तो इसके तहत केवल पोस्ट कंज्यूमर्स दोनों के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का लक्ष्य तय किया गया है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उत्पादकों आयातकों और ब्रांड मालिकों केंद्र और राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड्स आदि के लिए चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का लक्ष्य तय किया गया है इसके तहत प्री कंज्यूमर और पोस्ट कंज्यूमर्स दोनों के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का लक्ष्य तय किया गया है अतः कथन दो सही नहीं है इसमें कचरा निस्तारण के लिए जिम्मेदार ठहराए गए पक्षों द्वारा कचरे को एकत्र करना उसे संशोधित करना पुनर्चक्रण करना फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाना और यदि ऐसा संभव न हो तो उसका निपटान करना शामिल है प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादकों के मामले में इस साल 70 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे का निस्तारण और उसके अगले साल 100 प्रतिशत कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य कर दिया गया है अतः कथन एक सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए केवल एक अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसकी अवधारणा गंटर पॉली द्वारा लाई गई थी दो यह समुद्री स्वास्थ्य की रक्षा के लिए समुद्री विकास रणनीतियों की वकालत करता है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद